नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल संगीताज कॉर्नर में। आज मैं आलू समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप इन लॉकडाउन पीरियड में बाजार वाले समोसे को मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं हलवाई स्टाइल में इस समोसे को बनाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और एक बात, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे समोसे का आटा लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 कप डाला। आप आधा आटा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, यदि थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, और इसमें अब मैं डालूँगी एक छोटा चम्मच अजवाइन। ये डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैदे का कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें कोशिश करें ये डालने की। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक 1 छोटा चम्मच, और इसके बाद डालूंगी इसके लिए मोइन। तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है 4 बड़े चम्मच, और इसमें से देखते हैं कितना यूज होता है। तो पहले यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल लिया, और इसको अब मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से हम लोग इस आटे में। तो समोसों को बहुत ही क्रिस्पी खस्तेदार बनाने के लिए फ्रेंड्स, इसका मोइन अच्छा लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तेल को बहुत अच्छे से हम लोग इस तरह से मसल के इसको मिक्स करना है। और अभी देखिए, ये आटा भी बहुत ड्राई है, मतलब इसमें मोइन की ज़रूरत अभी और है। तो यहाँ 2 चम्मच मोइन मतलब तेल मैंने और डाल लिया है, और यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और रिफाइन ही ऑयल लें आप, इसमें सरसों तेल ना यूज़ करें मोइन के लिए। तो यहाँ देखिए, ये मोइन बिल्कुल लग गया है, और जब इस तरह से मॉइस्चर आ जाए, मुट्ठी बनने लगे, तो मोइन जो है परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसका आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ उसी कप से 1 कप पानी ले लिया है, जिस कप से हम लोगों ने 2 कप मैदा लिया था। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बिल्कुल सख्त आटा लगा लेंगे फ्रेंड्स, जैसा आप रोटी चपाती या पूड़ी के लिए लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा सख्त आटा लगाना है। जितना आपका आटा जो है सख्त रहेगा, उतना ही क्रिस्पी आपका समोसा रहेगा, और ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी बना रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच पानी डाल के एकदम कड़ा आटा लगा के तैयार करने लेना है। और जब आटा को हम लोग रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो वो अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप आटा गीला लगा लेंगे या फिर शुरू में ही सॉफ्ट रहेगा बहुत ज़्यादा, तो आखिरी समोसा बनाते बनाते तब तक आटा बहुत गीला हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल आटा परफेक्टली यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ढक के कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट ज़रूर दें, और इस आटे को लगाने में 1/2 कप पानी का यूज हो गया है। अब जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक इसका मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हैं। और आज मैं बना रही हूँ बिहार झारखंड स्टाइल से इसका मसाला, और बाकी जगह समोसा तो सब जगह सेम बनता है, बट उसके मसाले का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। इसमें अब डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच पचफोरन। इसमें 5 तरह के मसाले होते हैं, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और सरसों। तो इन सब से मिलके ये पचफोरन बनता है, और ये बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल साइड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और यहाँ 4 मिर्ची हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। इसके बाद यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं मूंगफली के दाने ले रही हूँ। आप यहाँ पे हरे मटर का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और बंगाल साइड में, बिहार साइड और झारखंड में ये मूंगफली ज़रूर डलते हैं समोसा के मसाले में। तो इन सबको भुनने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मिक्स मसाला डाला है, जिसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये नहीं है तो आप यहाँ पर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 6 आलू को उबाल के छिल के रख लिया था, और आलू को बिल्कुल ठंडा कर लें, उसके बाद ही मसाला बनाएं। और इन आलू को मैश करके नहीं लेना है, बिल्कुल इस तरह से तोड़ते हुए लेना है, क्योंकि जब भी आप समोसा खाते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें आलू के बड़े टुकड़े होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल मैश नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना है आलू का, उसके थोड़े बड़े बड़े चंक्स उसमें रहने चाहिए, तभी समोसा का असली टेस्ट होता है। तो उसको स्प्रेचुला से ही इस तरह से क्रश करते हुए, और इस मसाले को हम लोग को भूनना है। उससे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाल दिया है, और इस तरह जो बहुत बड़े आलू के टुकड़े हैं उसको तोड़ते हुए इस मसाले को हम लोगों को 10 मिनट तक कम से कम फ्राई करना है। ये मसाला जितना अच्छा से फ्राई होगा, जितना अच्छा से भुनेगा आलू, उतना ही समोसे का टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा।
तो यहाँ देखिए भूनते हुए लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं और ये मसाला से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा भून के रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हम लोग 1/4 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये गरम मसाला भी होममेड गरम मसाला है, इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये इतनी एक चुटकी ही बहुत होती है, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है फ्रेंड्स। यदि मार्केट की है तो आप 1/2 छोटा चम्मच ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो समोसे के लिए मसाला है वो भी बिल्कुल बिहार झारखंड स्टाइल में वो रेडी है। आप यदि खटाई पसंद करते हैं मसाले में, जो कि आमचूर पाउडर और चाट मसाला होता है, वो आप यहाँ पे इस स्टेज पे यूज कर सकते हैं। बट बिहार झारखंड में जो समोसा बनता है उसमें खटाई का बिल्कुल यूज नहीं होता है। तो मसाला को हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद आटे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आटा देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग 1-2 मिनट के लिए हाथों से मसल के और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल परफेक्टली लग गया है, बिल्कुल क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट अच्छा बन गया है। तो इस स्टेज पे अब हम लोग यहाँ पे आटे का एक बड़े साइज का लोई तोड़ लेंगे, एक बड़े नींबू के साइज का, और बाकी आटा को ढक के हम लोग साइड में रख देंगे। आप चाहे तो चकले पे बेल सकते हैं, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पे ही बेल रही हूँ। प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसके हम लोग रोटी बेलना है। तो समोसे के लिए जो रोटी बेलते हैं वो गोल नहीं होती है, बल्कि ओवल शेप की होती है, लंबाई शेप की। तो इसको हम लोग लंबाई शेप में, मतलब अंडे की शेप में इसको बेल लेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसकी फोल्डिंग भी बहुत ईजी है और मैंने यहाँ पे 3 तरह से फोल्ड करने के लिए बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए लंबाई शेप में ये जो रोटी है बेल गई, और इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसको बीच से हम लोग इक्वल पार्ट में काट लेंगे। तो एक रोटी से आप 2 समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक को मैंने साइड रख दिया और अब एक को ले लेंगे और इसकी जो लंबाई का साइड है जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ पे हम लोग पानी लगा लेंगे, उससे क्या है इसको चिपकाने में इजी होगा। अब दोनों साइड को उठाना है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपका देना है, और इसका जो कॉर्नर है ना फ्रेंड्स नीचे का, इसको बहुत अच्छे से चिपकाना ज़रूरी है। यदि वहाँ से वो खुला रह जाएगा तो समोसे के अंदर तेल आ जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसको सील बहुत अच्छे से करना है। अब इस तरह से हम लोग ले लेंगे हाथों में और मसाला डालना है। तो मसाला भी ध्यान से डालना है, समोसे में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालें, ऊपर तक नहीं डालें, क्योंकि लॉक करने में भी दिक्कत आएगा और समोसा का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल लगेगा जैसे सिर्फ आलू ही खा रहे हैं। तो आलू और मैदा का जो बैलेंस है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से चारों तरफ से पानी लगा लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे सील कर देंगे। तो बहुत ईजी है ना इसको फोल्ड करना। तो 3/4 भाग हम लोग को आलू रखना है और 1/4 भाग समोसे का जो है खाली रखना है। दूसरे तरीका मैं बता रही हूँ कि सेम उसी प्रोसेस से लंबाई के साइड में जहाँ से कट लगाया था वहाँ पानी लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए उंगलियों 2 उंगलियों को रख के फोल्ड करते हुए इसको आपस में चिपका देना है। तो ये और भी आसान है और इसको अच्छे से सील करना बहुत ज़रूरी है जहाँ जहाँ, और ये पूरी लंबाई को भी अच्छे से चिपका देंगे ताकि कहीं से ये खुले नहीं। सेम उसी तरह से हम लोग मसाला डाल लेंगे। तो देखिए मैं 1 समोसे में मुश्किल से 1.5 चम्मच मसाला डाल रही हूँ और खाली बहुत ज़्यादा स्पेस है। चारों तरफ से पानी लगाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे सील कर देंगे। इस तरीके से भी समोसे बनते हैं। और मैं अब तीसरा तरीका आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए 2 समोसे बन के रेडी हो गए हैं। और तीसरा तरीका ये है, बेलेंगे सेम उसी तरह से, पानी भी उसी तरह से लगाएंगे, फोल्ड भी वैसे ही करेंगे इस तरह से। यदि आप हाथों में फोल्ड नहीं कर पा रहे तो प्लेटफॉर्म पे रख के ही दोनों हाथ से उठा के एक दूसरे को ऊपर चिपका दें, तो वो ज़्यादा ईजी है। जो मैंने फर्स्ट वाला बताया वो सबसे ज़्यादा ईजी है। इस तरह से नहीं होता है तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर फोल्ड करना है पीछे की तरफ, तो आगे जो फोल्ड है ना उसके पीछे साइड इस तरह से एक दूसरे को ऊपर रखना है और पीछे एक इस तरह से लाइन बननी चाहिए। और जो आगे हम लोगों ने चिपकाया था दोनों छोर को और जो पीछे चिपकाया वो दोनों को बीच में ला के चिपका देना है और इस तरह से फिर पूरे समोसे को सील कर देना है। इससे क्या हो जाता है, समोसे को एक बेस मिल जाता है नीचे से और समोसा इजीली खड़ा होता है। मतलब समोसा फ्राई करने के बाद भी वो सीधा नहीं होता है, आपको खड़ा समोसा ही मिलेगा। और असली समोसा का पहचान यही होता है कि समोसा जो है आपका खड़ा होना चाहिए, फ्राई होने के बाद भी वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, बराबर ना हो जाए, इस तरह से बैठा रहे वो। तो इस तरह से देखिए इस तरह से उठाना है और इसको लॉक करना है, पीछे से इस तरह का एक लाइन बन जाना चाहिए और आगे और पीछे का जो फोल्ड है उसको बीच में चिपका देना है। तो आप यदि नहीं समझ में आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख ले, बहुत ईजी है। तो इस तरह से करके, और जो हलवाई बनाते हैं ना वो इसी तरीके का समोसा बनाते हैं। तो
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा फोल्डिंग सिस्टम पसंद आया हो। तो अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और समोसा डालने के टाइम फ्लेम को लो कर देना है। तेल अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को लो करना है और एक एक करके समोसे को डालना है। जितना तेल है या फिर कढ़ाई में जितना स्पेस है उतना आप समोसा एक बार में डाल सकते हैं, क्योंकि ये समोसे को फ्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, तभी जो है आपका समोसा ऊपर से लेकर अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और अंदर जो है लेयर्स बन पाएंगे, जो मैदा का लेयर्स है वो अच्छे से बन पाएंगे यदि इसको आप बहुत ही लो फ्लेम पे बहुत देर तक अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 मिनट हो गया और इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट और फ्राई करना है। तो इस तरह से आप 2-3 मिनट में इसको पलट के और इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये खूब अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए, ठंडा होने के बाद भी इसका जो क्रिस्पीनेस है वो बना रहे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल 10 से 12 मिनट हो गया है और जो समोसे का कलर है वो बहुत ही अच्छा आ गया है, टेक्सचर आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है देखने से। और यहाँ पे मैं एक समोसा आपको तोड़ के दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये कितना क्रिस्पी है और कितना क्रंची है ऊपर से लेकर अंदर तक, और मसाला इसका औसम है। आप इस तरीके से एक बार मसाला ज़रूर बना के ट्राई करें। बिहार झारखंड में बहुत ही फेमस होता है बिना आमचूर का, बिना चाट मसाला का बहुत ही टेस्टी मसाला, बिल्कुल स्पाइसी और चटपटा मसाला बनके तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।